और आम खबर यह है कि MQM वफ्द की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM के वफ्द में खालिद महफूज सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा शरीक हैं। मुलाकात में तहरीक आदम एतमाद पर मुशावरत की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ MQM के वफ्द की मुलाकात हुई थी पीपल्स पार्टी से और आज MQM वफ्द की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से ये मुलाकात जारी है। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा शरीक हैं और इस मुलाकात में तहरीक आदम एतमाद पर मुशावरत की जा रही है। तहरीक आदम एतमाद को लेकर रबतों और मुशावरत का सिलसिला जारी है और हम देख सकते हैं कि नंबर गेम और जोर जोर की सियासत अब हतमी मराहल में दाखिल होने वाली है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब बताइए, इस वक्त कहाँ मुलाकात जारी है MQM की मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से? जी, MQM के वक्त की जो है वो मिनिस्ट्री के लिए में शहबाज शरीफ रिहायशी है, वहाँ पे आमद हुई है। मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ से MQM के वक्त की जो है वो मुलाकात जारी है। मुलाकात में जो MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो बाकी वजीर अमीनुल हक, आमिर खान समेत MQM के वक्त भी इस मुलाकात में जो है वो मौजूद है। जबकि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबरा मौलाना फजल रहमान भी MQM और जो मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हो रही है वो भी मुलाकात में शरीक है। मुलाकात में मुल्क मजमू सूरतहाल और वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो शहरी कदम अकमात पर जो है वो मुशावरत हो रही है। जबकि जो मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ और MQM के दरमियान ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन इससे मुतालिक अपडेट किया।